Hello everyone, welcome to all of you in FFB live chemistry classes. This is my YouTube channel for the study of complete chemistry. Basic points अगर क्लियर करते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं इन फॉर द इंटरमीडिएट क्लासेस एंड फॉर हायर क्लासेस आल्सो. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर इन दिनों तो लोगों का चल रहा है यहाँ इस चैनल पे, जिस पे काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में डिस्कस हुआ, उससे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, उसके अलावा कंडक्टेंस, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं. EMF ऑफ द सेल एंड स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल भी हम डिस्कस कर चुके हैं, किस तरह से स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड निकालते हैं और किस तरह से सेल का. आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो आज के क्लास में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिस्कस करेंगे, जिसकी जानकारी भी ज़रूरी है और बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं इस पर. Now today's topic is electrochemical series. By measuring the potentials of various electrode versus standard hydrogen electrode, एक पिछले क्लास में पढ़ा था कि किस तरह से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं किसी भी हाफ सेल का विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दैट इज HSE, standard hydrogen electrode. Now see again, by measuring the potential of various electrode versus standard hydrogen electrode, a series of standard electrode potentials have been established. When the electrodes in contact with their ions are arranged on the basis of the value of their standard reduction potential or standard oxidation potential, the resulting series is called the electrochemical series, or it is known as electromotive or activity series of the elements. Now by international convention, the standard potentials of the electrodes are tabulated for reduction half reaction, indicating the tendencies of the electrodes to behave as cathode towards standard hydrogen electrode. Those with positive E0 values for reduction half reactions do in fact act as cathode versus standard hydrogen electrode. यानी जिनकी positive value आती है standard electrode potential की स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, वो एज ए कैथोड बिहेव करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ. वाइल दोज विद निगेटिव E0 वैल्यूज ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शंस बिहेव इंस्टेड एज एनोड. नाउ दिस इज द बेसिस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. तो इस तरह से ये सीरीज अरेंज की गई है, किस तरह का रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे ये रिएक्शन दिया है और उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो माइनस में यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके लिथियम, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में आएगा. जब रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल माइनस में आएगा. इस तरह से ये अरेंज है, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनका जब रिडक्शन रिएक्शन लिया गया है, क्योंकि ये इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है, क्योंकि रिवर्स इलेक्शन टेकन इन टू कंसिडरेशन, देन इट्स स्टैंडर्ड पोटेंशियल कम्स इन माइनस. तो ये माइनस में आ रही है और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं माइनस में ये घटती जाती है. इस तरह से एल्यूमिनियम की रिडक्शन पोटेंशियल इसका माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें मोस्टली क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन. जिंक का रिडक्शन का रिएक्शन ये है उसकी, और कम हो गई, धीरे धीरे माइनस में ये कम हो रही है. इसी तरह फेरस से फेरी, कैडमियम से कैडमियम, ये सारे रिडक्शन
रिएक्शन दिखाए हुए हैं और साथ में क्या हो रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मानक पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना गया है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। तो इन सब में क्या मोस्टली होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन। तो ये एज एनोड वर्क करते हैं ये सारे मेटल जब अपने कैथोड अपने सॉल्यूशन के साथ होते हैं। अब इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग, ये नीचे की तरफ एरो दिखाया होगा और ये ऊपर की तरफ दिखाया होगा। उसके बाद यहाँ पे हम जीरो पे आ जाते हैं। यू नो दैट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो। अब जीरो के बाद ये जो भी मेटल इसमें या कम या एलिमेंट हैं, चाहे वो मेटल हो, कुछ मेटल हैं, मोस्टली नॉन मेटल हैं, फिर इनकी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आने लगती, क्योंकि इनमें रिडक्शन की कैपेसिटी होती है और इनका यहाँ पे हमने इनमें रिडक्शन रिएक्शन होता है। तो इनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन आती है वो प्लस में आती है। तो ये प्लस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगा। आई टू ए जी एच जी टू प्लस स्टैंड, इस तरह से ये पोजिशन देख करके ये देखा जाता है कि कौन सी मेटल किससे ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सी कम रिएक्टिव। जो भी एलिमेंट नीचे होंगे वो अपने ऊपर वाले से कम रिएक्टिव होंगे, या जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वो मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, और जो नीचे होते हैं हाइड्रोजन से वो रिएक्टिव होते हैं। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नीचे की तरफ। और ये ऊपर की एरो बता रहा है, यहाँ पे दिया भी हुआ है कि इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ एज रिड्यूसिंग एजेंट इंक्रीजिंग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऊपर की तरफ जाएंगे तो लूज करने की, इलेक्ट्रॉन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, और नीचे आते हैं तो एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ती जाएगी। एक दूसरे रूप फॉर्म में भी यहाँ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन हाइड्रोजन स्केल पे, इस तरह से इलेक्ट्रोड दिए हुए हैं यहाँ पे, किस तरह से होंगे और उनके रिएक्शन, जैसा कि अभी पहले देखा उसमें थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई, उसमें सिर्फ मेटल दिए थे, यहाँ पे एज इलेक्ट्रोड विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन के साथ इन इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलती है, जिसकी की वैल्यू इस तरह से यहाँ पे सामने दी हुई है। तो इसमें किस तरह से दी है, इसमें जस्ट रिवर्स दी हुई है। ऊपर क्या है, ये क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये सारे एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ रिवर्स में दी हुई है, ऊपर प्लस में ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होती जाती है, और लास्ट में ये सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोड दिखाए हुए हैं हाइड्रोजन के साथ, और फिर ये हाइड्रोजन का जीरो हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो ये माइनस में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है। और ये सारे क्या हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रोड है विद रेफरेंस टू, साथ में इसके हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए। अब इन सीरीज दोनों पोजीशन में देखा कि किस तरह से रिवर्स में करके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, और दूसरी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी भी देखा। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेगेटिव साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंडिकेट दैट द इलेक्ट्रोड व्हेन जॉइंड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड एंड ऑक्सीडेशन ऑफर दिस इलेक्ट्रोड। दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड, द नेगेटिव साइंस ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये कहाँ है, ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं, इंडिकेट दैट एन इलेक्ट्रोड व्हेन जॉइंड विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड
यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर के जितने एलिमेंट थे सीरीज में, जब उनको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो वो एज एनोड की तरह काम करेंगे, और इस पोजीशन में HSE जो है ये कैथोड की तरह काम करेगा, एंड ऑक्सीडेशन ऑकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड विच इज नोन एज एनोड. द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट when zinc electrode is joined with a standard hydrogen electrode, it acts as anode. For example, ये दिया है, that is oxidation occurs on this electrode. Similarly, the positive signs of standard reduction potential indicate that the electrode when joined with a standard hydrogen electrode acts as cathode. एंड रिडक्शन ऑकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड. तो हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट थे उनमें क्या था कि प्लस साइन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल था, और जब इनको ज्वाइन करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से तो ये किस तरह वर्क करेंगे, एज ए कैथोड, एंड रिडक्शन ऑकर्स ऑन दिस इलेक्ट्रोड. दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. The second characteristic, the substance which are stronger reducing agents than hydrogen are placed above hydrogen in the series and have negative value of standard reduction potentials. All those substances which have positive value of reduction potential and placed below hydrogen in the series are weaker reducing agents than hydrogen. The third characteristic, ज़्यादा बड़ा हो जाता है. The substances which are stronger oxidizing agent than hydrogen are placed below hydrogen in the series. Which are stronger oxidizing agent that H plus ions are placed below hydrogen in series. Fourth point, the metals on the top having high negative value of standard reduction potential have the tendency to lose electron readily. These are active metals. The activity of metal decrease from top to bottom. The non-metals on the bottom having high positive values of standard reduction potential have the tendency to accept electrons readily. These are active non-metals. The activity of non-metals increase from top to bottom. Now, applications of electrochemical series. Electrochemical series से क्या इसका क्या useful है? Usefulness क्या है? Which is known as applications of electrochemical series. First, reactivity of metals हम जान सकते हैं with the help of electrochemical series. The activity of the metal depends on its tendency to lose electron or electrons, that is tendency to form cation. This tendency depends on the magnitude of standard reduction potential. The metal which has high negative value or smaller positive value of a standard reduction potential readily lose the electrons or electrons and is converted into cation. Such a metal is said to be chemically active. The chemical activity of metal decreases from top to bottom in the series. The metal higher in the series is more reactive than the metal lower in the series. For example, alkali metals and alkaline earth metals having high negative values of standard reduction potential are chemically active. These react with cold water and evolve hydrogen. These readily dissolve in acid forming corresponding salts and combined with those substances which accept electrons. Now, half reactions. ये क्या है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाई है और उससे नीचे धीरे धीरे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लो है और ये बढ़ता जाता है जैसे जैसे आगे जाते हैं. तो ये एरो से दिखाया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं. थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं तो देख सकते हो.
ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, इस तरह से जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ये एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन इनकी टेंडेंसी बढ़ती जाती है, और ये इधर की तरफ यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी इनकी जैसे जैसे नीचे जाते हैं वो बढ़ती जाती है। तो कई फॉर्म है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो अभी तो लोगों देखा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट। पहले एल्किली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में जाना। नाउ मेटल्स लाइक Fe, Fb, Pb, Sn, Ni, CO एटसेट्रा विच लाई ए लिटिल डाउन इन द सीरीज डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। चाहते हैं तुम लोग को कंप्लीट दिखाई दे। मेटल्स लाइक Fe, Fb, Pb, Sn, नॉट ए आयरन, लेड, स्टेनलेस और टिन, निकिल, कोबाल्ट एक्सेट्रा विच लाई ए लिटिल डाउन इन द सीरीज डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विथ स्टीम टू इवॉल्व हाइड्रोजन, यानी रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाती है। मेटल्स लाइक कॉपर, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड विच लाई बिलो हाइड्रोजन आर लेस रिएक्टिव and do not evolve hydrogen from water. Metals lying below hydrogen in EMF series, electromotive force series भी कहते हैं इसको, do not undergo corrosion. यानी metals lying below hydrogen do not undergo corrosion. Metals with very low reduction potential are extracted by electrolytic method. That is aluminium, sodium, lithium, magnesium, etc. For this solve some example to understand about electrochemical series. Four metal A, B, C and D have their standard reduction potential values equal to minus 0.14 volt plus 0.34 volt minus 1.66 volt and 0.80 volt. Arrange these metals in the decreasing order of reactivity. The metal which has higher negative value of reduction potential is more reactive. Thus, the reactivity of these metals are as carbon minus 66 है, इसका क्या है higher negative value है, उसके बाद ये कम होती जा रही है, फिर plus में आ गई, तो decreasing order of क्या है reducing reduction potential इस तरह से decrease करती जा रही है, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इस ऑर्डर में होगा सबसे कम रिएक्टिव डी होगा। नाउ इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल्स। द इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर आल्सो डिपेंड ऑन द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। Like reactivity, the electropositive character of metal decreases from top to bottom in the electrochemical series. On the basis of standard reduction potential values, metals are divided into three groups. First, strongly electropositive metals. Metals having standard reduction potential near about minus 2 volt or more negative like alkali metals. Alkaline earth metals are strongly electropositive in nature. Moderately electropositive metals, the metals having value of reduction potential between 0 and about minus 2 volt are moderately electropositive, which is aluminium, zinc, Fe, Ni, CO, etc. belong to this group. Third, weakly electropositive metals, the metals which are below hydrogen and possess positive value of reduction potential are weakly electropositive metals. Examples are copper, mercury, Ag, etc. belong to this group. Now see the another example. Four metals A, B, C, D have their standard reduction potential values plus 0.80. Minus 0.76, minus 0.12 and 0.34 volt respectively. Arrange them in increasing order of their electropositive character. Electropositive character kinka hoga, jinki negative value zyada hogi.
द मेटल्स विच हैज हाई निगेटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल पजेस ग्रेट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दैट इज हायर इलेक्ट्रो पॉजिटिव. Thus, the order of metal on the basis of decreasing electropositive character will be decreasing electropositive character का order इस तरह से होगा. More minus value जिसकी होगी वो सबसे ज्यादा electropositive होगा और धीरे धीरे ये tendency कम होती जाएगी. Now, displacement reactions. To predict whether a given metal will displace another from its salt solution. A metal higher in the series which displaces the metal from its solution, which is lower in the series. ज़्यादा बड़ा हो जाता है. A metal higher in the series will displace the metal from its solution, which is lower in the series. That is, the metal having low standard reduction potential will displace the metal from its salt solution. Which has higher value of standard reduction potential. A metal higher in the series has greater tendency to provide electron to the cations of the metal to be precipitated. Now examples is important example is here. Zinc displaces copper from copper sulfate solution Y. Now, standard reduction potential of zinc is minus 0.76 volt, while that of copper is plus 0.34 volt. Zinc is more reactive than copper, that is, zinc provides electron to reduce copper ion. Zinc oxidation takes place here and forms Zn2 plus 2 electron lose. These 2 electrons accept by the copper ion and reduce. ओवरऑल रिएक्शन कॉपर सल्फेट प्लस Zn तो ये डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को और जिंक सल्फेट बन जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम AgNO3 सॉल्यूशन वाई. नाउ कॉपर ऑक्यूपाइज दिस पोजिशन अबव सिल्वर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इट इज मोर एक्टिव देन Ag एज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज लेस देन रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सिल्वर. It provides electrons to Ag plus ions for the reaction into Ag. Reaction like this, it is oxidation takes place here and this electron accepted by the silver ion and reduced. The solution becomes blue as hydrated cupric ions have blue color. See the another example. Iron can displace copper from copper sulfate solution, but silver not displace copper by. Now solution is this. The position of iron in the electrochemical series is above copper, but of silver is below copper. Iron having low reduction potential is capable of providing electrons to copper ions for reduction, but silver is less reactive than copper as its reduction potential is higher than copper. Then the oxidation takes place like this and reduction is here. Silver does not provide electrons to copper ions. Now displacement of one non-metal from its salt solution. Displacement of one non-metal from its salt solution by another non-metal. Now a non-metal higher in the series towards bottom side having high value of reduction potential will displace another non-metal with lower reduction potential that is occupy position above in the series. The non-metals which possess high positive reduction potentials have to tendency accept its electron readily. These electrons are provided by the ions of the non-metal having low value of reduction potential. The Cl2 can displace bromine and iodine from bromide and iodide like this. The activity of electronegative character or oxidizing nature of non-metal increases as the value of reduction potential increases. Now displacement of hydrogen from dilute acids by metals. The metals which can provide electrons to H+ ions present in the dilute acid for reduction
evolve hydrogen from dilute acids, that is M converted into N plus losing any electron oxidation, and hydrogen accept these electrons to form hydrogen ion to form hydrogen. The metal having negative values of reduction potential possess the property of losing electron or electrons. Thus, the metals occupy top position in the electrochemical series readily liberate hydrogen. The metals occupying top position in the electrochemical series readily liberate hydrogen from dilute acids, and on descending in the series, tendency to liberate hydrogen gas from dilute acids decreases. The metals which are below hydrogen in electrochemical series like Cu, Hg, Au, Pt, etc. do not evolve hydrogen from dilute acids. Now another example, zinc liberates hydrogen from dilute sulfuric acid, but copper does not. Now give reason. Now zinc occupies position above hydrogen while copper occupies position below hydrogen in the electrochemical series. Zinc having negative standard reduction potential is capable of providing electrons to H plus ions for reduction, while copper having positive standard reduction potential is unable to provide electron to H plus ions for reduction. Zn, oxidation takes place here, losing two electrons, a two electron accepted by hydrogen to form H2. The overall reaction is that Zn plus H2SO4, ZnSO4, H2O. But copper may ye reaction, copper ye reaction nahi deta. Select the metal from the following list which can liberate hydrogen from the dilute acids. अब electrochemical series हर exercise को करने के लिए याद होना चाहिए और नहीं तो सामने देखना होगा, तो exam के लिए तो याद होना चाहिए, ऐसे तो देख सकते हो. The metals occupying positions above hydrogen are only capable of liberating hydrogen from dilute acid and they have negative value of reduction potential, that is capable of provide electron to H plus ion for reduction. Magnesium, zinc and iron liberate hydrogen from dilute acids as their position in the is at their position is above hydrogen in electrochemical series. यानी hydrogen से ऊपर जो metal है वो hydrogen liberate करेंगे और जो नीचे है वो नहीं करेंगे. Reaction सामने है तुम्हारे, इस तरह से होगा. Cu, Ag, Hg do not liberate hydrogen from dilute acids as they occupy position below hydrogen in the electrochemical series. Now displacement of hydrogen from water. Iron and the metals above iron are capable of liberating hydrogen from water. The tendency decrease from top to bottom in electrochemical series. Alkali and alkaline earth metal liberate hydrogen from cold water, but magnesium, zinc, iron liberate hydrogen from hot water or steam. Now displacement of hydrogen from water. Iron and the metals above iron. Iron and the metal above the iron are capable of liberating hydrogen from water. The tendency decrease from top to bottom in electrochemical series. मेरे ख्याल से ये point हो चुका है. Now reducing power of metals. Reducing nature depends on the tendency of losing electron or electrons. More the negative reduction potential, more is tendency to lose electron or electron. Thus, reducing nature decrease from top to bottom in the electrochemical series. The power of the reducing agents increases as the standard reduction potential becomes more and more negative. Sodium is a stronger reducing agent than zinc, and zinc is a stronger reducing agent than iron. इस तरह से जैसे जैसे इसकी reduction potential जब ज़्यादा होगी तब ये
रिड्यूसिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा हो गई और धीरे धीरे जब कम होती जाएगी तो ये बढ़ती जाएगी. नाउ एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स. सी द एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग मेटल्स इन ऑर्डर देयर डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग नेचर. AlNaHgCl एल्युमिनियम. इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम इज अबव सोडियम एंड सोडियम इज अबव एल्युमिनियम, एल्युमिनियम इज अबव कॉपर एंड कॉपर इज अबव Hg. दस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग नेचर द अरेंजमेंट इज लाइक दिस. इस तरह से होगा. Now oxidizing nature of non-metals. Oxidizing nature depend on the tendency to accept electron or electrons. More the value of reduction potential, higher is the tendency to accept electron or electrons. Thus oxidizing nature increase from top to bottom. Thus oxidizing nature increase from top to bottom in electrochemical series in case of non-metals. The strength of an oxidizing agent increases as the value of reduction potential becomes more and more positive. For example, fluorine is a stronger oxidant than Cl2, Br2 and I2 and chlorine is stronger oxidant than Br2 and I2. Like this reduction potential क्या होगा यहाँ पे बढ़ती जा रही है, प्लस में वैल्यू इसकी बढ़ रही है. नाउ दिस इज दी ऑक्सीडाइजिंग नेचर, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर इनका इस तरह से इंक्रीज करेगा. दस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट टॉप पे होते हैं हाईर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल के साथ और मिनिमम रिडक्शन पोटेंशियल के साथ. इस तरह से ये टॉप और ये बॉटम, बॉटम पे क्या होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे एंड हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल होगी. यानी यहाँ क्या हो रहा है, ये रिड्यूसिंग नेचर इस तरह से यहाँ पे टॉप टू बॉटम टू टॉप बढ़ रहा है, जबकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है ये टॉप टू बॉटम बढ़ता जाता है. तो ये शॉर्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने के लिए ये बहुत ही अच्छा डायग्राम है. नाउ एग्जाम, सी द एग्जाम्पल, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एलिमेंट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. ZnCuFeBr2Cl2, ये तीनों क्या है, नॉन मेटल है और ये मेटल है. द एलिमेंट्स हैविंग हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोजिशन potential is strongest oxidizing agent. So Cl2 is the strongest oxidizing agent क्योंकि standard reduction potential इसका ज़्यादा है. The element having lowest value of standard reduction potential is the strongest reducing agent. Hence Zn is the strongest reducing agent. Which one of the following halides ions get oxidized by bromide, that is fluoride, chloride and iodide. The solution is here. As the standard reduction potential of the fluorine and chlorine are higher than bromine, they have less tendency to reduce bromine, that is fluoride and chloride have less tendency to lose electrons. But iodide has more tendency to lose electrons as it has low value of reduction potential. इस तरह से ये accept करता है electron को और इसका oxidation हो जाता है, बन जाता है iodine. इसी तरह bromine दो electron accept करके यहाँ ये bromide ion बनाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये reduction हो जाता है. Thus iodine is oxidized by bromine. और Br2 is stronger oxidizing agent than iodine but weaker oxidizing agent than fluorine and chlorine. Now thermal stability of metallic oxides.
थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड डिपेंड्स ऑन इट्स इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर. एज द इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्साइड आल्सो डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स हैविंग हाई पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल्स आर नॉट स्टेबल टुवर्ड्स हीट. द मेटल्स विच कम बिलो कॉपर फ्रॉम अनस्टेबल ऑक्साइड्स. दैट इज दीज आर कंपोज, दीज आर डिकम्पोज ऑन हीटिंग. H2O हीट से डिकम्पोज हो जाता है, HGO हीट से डिकम्पोज हो जाता है. इसी तरह बेरियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड हीट से इनमें डिकम्पोजिशन नहीं होता है. नाउ प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन केस टू और मोर टाइप्स ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिटिक्स. ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस सर्टेन आयंस आर डिस्चार्ज और डिब्रेटेड एट द इलेक्ट्रोड इन प्रेफरेंस टू अदर. इन जनरल इन सच कंपटीशन द आयंस विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज डिस्चार्ज फर्स्ट एंड एट कैथोड. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्यू कैटायंस आर लाइक दिस. See these points again. In general, in such competition, the ion which is stronger oxidizing agent or have a higher value of standard reduction potential is discharged first at the cathode. Now, increasing order of deposition of few cations are potassium सबसे कम होती है इसमें tendency धीरे धीरे. कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, इस तरह से ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिपोजिशन बढ़ता जाता है. सबसे पहले AU डिपॉजिट होगा, इस तरह से ये डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर. सिमिलरली द एनायंस विच इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैव लो वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज लिबरेटेड फर्स्ट एट द एनोड. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्यू एनायंस इज सल्फेट की सबसे कम होती है और धीरे धीरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज ये बढ़ता जाता है. आयोडीन सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर इस तरह से. दस व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कंटेनिंग Na प्लस Cl माइनस H प्लस आयन OH आयन इज इलेक्ट्रोलाइट H प्लस आयन आर डिस्चार्ज एट कैथोड एंड Cl माइनस क्लोराइड यानी हाइड्रोजन आयंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड एंड क्लोराइड आयंस एट एनोड. दैट इज हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड. व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेनिंग कॉपर आयन सल्फेट आयन हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इज इलेक्ट्रोलाइट कॉपर आयंस आर डिस्चार्ज एट कैथोड एंड OH आयंस एट एनोड. तो पहले का जो रूल है वो फॉलो होता है. तो यहाँ कैथोडिक रिएक्शन में कॉपर डिस्चार्ज होता है, अगर हाइड्रोक्सिल आयन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वाटर बनाता है. कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड व्हाइल O2 इज लिबरेटेड लाइक दिस. नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल. A more electropositive metal can displace a less electropositive metal from its salt solution. This principle is applied for the extraction of silver and gold by cyanide process. The reaction like this. This is the ore of the metal. Zinc reaction करता है तो Ag को अलग कर देता है और इसकी जगह पे zinc ले लेता है. Now concept of equilibrium in electrochemical series. In an electrochemical cell, a reversible redox process takes place. That is like Daniell cell. Zinc, इसको बहुत बार पढ़ चुके हो. Zinc
रिएक्ट्स करता है कॉपर आयंस की, दोनों अलग अलग सॉल्यूशन में होते हैं, इलेक्ट्रोड वो कॉपर सल्फेट में और जिंक का रॉड जिंक सल्फेट में। तो ओवरऑल रिएक्शन यहाँ ये होता है, Zn2+ बनता है, एक्वा सॉल्यूशन में चला जाता है और कॉपर डिपॉजिट होता है। नाउ एट इक्विलिब्रियम मॉस एक्शन रेशियो बिकम्स इक्वल टू इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट Q इज इक्वल टू Ke। नाउ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दैट इज EMF इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड इज इक्वल टू जीरो। नाउ सेल इज फुली डिस्चार्ज, दैट इज कम्स एट इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 क्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ एट इक्विलिब्रियम E इज इक्वल टू जीरो एंड क्यू इज इक्वल टू के, देन 0 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन N log 10 के, then k is equal to nt log n is 0 upon 0.0591. Now work done by the cell. Let n Faraday charge be taken out of a cell of EMF E, then work done by the cell will be calculated as work is equal to charge into potential, that is NFE. The work done by the cell is equal to decrease in free energy. Now minus delta G, this is free energy, is equal to NFE. Similarly, maximum obtainable work from the cell will be W max is equal to NFE0, where E0 is standard EMF or standard cell potential, is equal to minus delta. Now minus delta G0 is equal to NFE0. Now see the example for the cell reaction Mg, ये हाफ साल्ट ब्रिज, बीच में ये Mg to Mg plus, यानी क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ रिडक्शन। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन बाय ऑपरेटिंग द सेल। नाउ Mg to 2+, ये जस्ट रिवर्स दिया हुआ है इसका, पॉइंट माइनस 2.37 वोल्ट एंड E0 इसका वही डायरेक्शन के हिसाब से प्लस 0.80 वोल्ट। नाउ E0 सेल इज इक्वल टू दिस। नाउ लॉग Kc फॉर्मूले में NSE0 सेल अपॉन 0.0591 सारी वैल्यू रखा तो Kc इज इक्वल टू 1.89 into 10 to the power 107. Now minus delta G is equal to maximum work into NFE0. N कितना है? 2 है इस रिएक्शन में, तो 2 into F हो जाएगा फैराडे 96,500 into 3.17 is equal to this. Another example, calculate the standard free energy change for the following chemical reaction. AgCd, तो Ag और Cd2+, यहाँ पे Cd2+ टू Cd दिया हुआ है माइनस 0.40 वोल्ट एंड Ag+ टू Ag+ में दिया है। नाउ E0 रिडॉक्स प्रोसेस क्या हो जाएगा? E0 रिड्यूस स्पीसीज माइनस E0 ऑक्सीडाइज स्पीसीज, दोनों की वैल्यू यहाँ पे माइनस में है, तो ये माइनस में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। Number of electrons involved in the overall redox process is 2. Thus, standard free energy change delta 0 may be calculated as NFE0. Sari values hume pata hai, to aa jayega ye delta G0. The standard EMF E0 of Zn to Cu cell is 1. Zn Cu cell is 1.1 volt at 298 Kelvin, that is 25 degree centigrade. Calculate the equilibrium constant of the cell reaction. Now the cell reaction Zn plus Cu2+ like this. N is equal to E0 is equal to this. Now equilibrium constant may be calculated as for the formula.
अनदर एग्जाम्पल, प्रेडिक्ट द फॉलोइंग रिएक्शन इज फीजिबल और नॉट, Cu2+2Ag, तो ये इसको जो है डिपॉजिट करेगा या नहीं। Ag+2Ag के लिए दिया है +0.80 एंड Cu2+2Cu दिया है +0.34। नाउ E0 रिडॉक्स प्रोसेस इज इक्वल टू E0 रिड्यूस स्पेसीज माइनस E0 ऑक्सीडाइज स्पेसीज, दोनों तोड़ने पे हमें क्या मिला -0.46 वोल्ट। निगेटिव वैल्यू ऑफ E0 रिडॉक्स प्रोसेस शो दैट द रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। कैलकुलेट द सेल EMF एंड डेल्टा जी फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द सेल। सेल इज हियर, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से ये सेल दिया है पूरा। E0 वैल्यू एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, Zn2+2Zn है -0.763 वोल्ट। Cd2+2Cd इज इक्वल टू -0.403। F is equal to this and R is equal to this. Now solution is equal to E0 cell is equal to E0 Cd2+2Cd minus Zn2+2Zn. तो इसको हम जो उसके जो वैल्यूज है निगेटिव पॉजिटिव वो रख के एड करेंगे तो ये आ रहा है +0.36 वोल्ट। द सेल प्रोसेस इस तरह से होगा Zn Zn2+ Zn2+। Now E is equal to E0 minus 0.0591 upon n log 10 क्यों होता है? सारी वैल्यूज रखने पे हमको E is equal to 0.44 वोल्ट आ गया। Now डेल्टा G is equal to minus F E, तो n is equal to 2 और ये माइनस में सारी वैल्यूज रखने पे हमें क्या मिला -84920 जूल। इसको किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड टू रिड्यूस Al2O3 एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये है। डेल्टा जी दिया है, एफ होता है 96,500। द सॉल्यूशन वी नो दैट द डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFe, then E is equal to delta G upon NF, then delta G इतना है, E इतना है, सारी पोजीशन रखा हमने, तो कितना आ जाएगा? मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस 42.480 ओवरऑल क्वेश्चन पहले एक बार देख लो, ये इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे हमने डिटेल स्टडी तुम लोगों के साथ मैंने भी की, तुम लोगों ने भी की। तो डिटेल में जाना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, उसके मेन फीचर्स क्या हैं, सारी चीज़ें जाना। तो उम्मीद है इसको तुम लोग अच्छे से समझ पाए होगे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा इसको बताने में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को बना करके कॉपी पेन पे अगर इसकी सारी मेटल्स की पोजीशन और उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल याद कर लोगे, तो जो छोटी छोटी एक्सरसाइज बताई है अभी, तो उनमें से कोई भी आए उसको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अब एक जो चैप्टर के जो मेन बेसिक्स थे वो क्लियर हुए। अब इस चैप्टर में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बैटरीज कमर्शियल सेल्स के बारे में, जो कि इसी से जुड़े हुए जो चीज़ें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, तो उनको भी जानना ज़रूरी है। तो अगले क्लास में हम बैटरीज और कॉमर्शियल सेल जो इन्हीं सब रिएक्शंस के बेस होते हैं और बहुत ही यूज़फुल है हमारी लाइफ में, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, रिएक्शंस क्या होते हैं, उनकी यूज़फुलनेस क्या है। तो आज का क्लास बस यहीं तक।